जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लीब्रा साइन, यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द लीब्रा। ओके लीब्रा, आई थिंक देयर इज समथिंग, मे बी आप किसी चीज़ को लेके दुविधा में हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। मे बी इट्स अबाउट चेंजिंग पाथ, मे बी इट्स अबाउट टेकिंग अ डिसीजन अबाउट समथिंग। इस हफ्ते कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यू नो, लाइक सोचना कि वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। तो वो एनर्जी पिक हो रही है फॉर ऑल द लीब्रा, लाइक डिसीजन वाली जो एनर्जी है, यू नो, मे बी इन द मैटर ऑफ हार्ट्स, मे बी इट्स अबाउट अ कनेक्शन, किसी कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई ऐसा कोई डिसीजन लेना हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस ऑफ कोर्स ये चीज़, ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द लीब्रा। आपकी लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है? ओके लीब्रा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट यू लाइक You want to get married, right? But right now, maybe वो singlehood वाली energy है। हो सकता है कि there is like a connection around you, but मुझे ऐसा लगता है कि कुछ pressure भी हैं। Still you are carrying burdens as well। हो सकता है कि वो past burdens हों, हो सकता है you have so much love, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं to manifest, you know, या कोशिश कर रहे हैं या resist कर रहे हैं, still कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट है जो रेजिस्ट कर रहा है, और कहीं प्रेशर्स भी हैं। मान लीजिए यू आर सिंगल, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड यू आर स्टेबल, यू आर लाइक कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन, यू आप एम्प्रेस एनर्जी में अब आ चुके हैं, लविंग योर सेल्फ, लविंग योर लाइक यू नो, चेंजिंग योर सेल्फ, गिविंग योर सेल्फ टाइम, और आपको क्या चाहिए ये आपको पता है, यू नो, एम्प्रेस एंड दैट एनर्जी विद द किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है लाइक स्टिल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, अवॉइडिंग जिसे कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर डीलिंग विद द कनेक्शन, आई थिंक इट्स अ टॉक्सिक, लाइक समथिंग इज टॉक्सिक अबाउट दिस कनेक्शन, और मे बी ये जो पर्सन है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा बाउंड है, और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दे हैव समबडी एल्स इन देयर लाइफ, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट लाइक कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि कोई कनेक्शन है आपके अराउंड जहां आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल महसूस करते हैं, आपको लगता है कि यस दिस इज़ द राइट पर्सन, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं लाइक शायद हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक लिटिल बिट मैन्यूपुलेटिव, लिटिल बिट रनिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन, या अपने आप को यू नो बाउंड रखना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना, कोई एक्शन ना लेना, वो चीज़ें हो सकती हैं विद दिस पर्सन। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं, मे बी अ न्यू कनेक्शन अराउंड यू, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है स्टिल यू आर वेटिंग। आप अभी, मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं, शायद हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी इट्स अ टोटली न्यू पर्सन। सो लीब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और मे बी हो सकता है कि येस विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू नेवर नो कि दिस पर्सन ऑल्सो लाइक हैज समबडी एल्स इन देयर लाइफ, शायद हो सकता है कि कुछ चल रहा है। येस ऑफ कोर्स मे भी हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे से आप लोग बात करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये टोटली न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट। तो मुझे थोड़ी सी डिलेड एनर्जी दिखाई दे रही है लीब्रा के लिए। ओवरऑल पहला कार्ड जो है
फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग इज दैट सिंगल एनर्जी, यू नो, सिंगलहुड वाली. और उसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि येस, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि धीरे धीरे यू आर ट्राइंग, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और चल रहा है या मे बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन, सो पेशेंटली यू आर गिविंग इट टाइम, यू आर ट्राइंग, यू आर, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. और हो सकता है आपको लगता है कि कुछ होल्ड कर रहे हैं, दे आर नॉट टेलिंग क्लियरली, तो ये चीज़ें मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही हैं. चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की. करियर वाइज इट सीम्स टू बी ग्रेट फॉर यू. आई थिंक धीरे धीरे आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं. हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कुछ यहाँ पे 19-20 हो सकता है. अब उससे क्या मतलब है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका करियर ग्रो कर रहा है. लॉन्ग रन की अगर बात करें, प्रेशर बहुत है, ठीक है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं. मूविंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, जो भी कुछ हो, अगर छोटी मोटी इश्यूज आते हैं या किसी ने कुछ बोल दिया या वर्क प्लेस पे कुछ हो गया, तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है. लॉन्ग रन में देखिए, कुछ लोग हो सकता है ओवरसीज कनेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है काम के लिए दूसरे कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो आपकी जो सिचुएशन है मनी वाइज, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. यू आर डूइंग ग्रेट, आप पाथ अपना बना रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो वॉट एल्स डू यू वॉन्ट. अगर छोटी मोटी ब्लॉकेजेस आते हैं तो लीव इट बिहाइंड, या उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए उस चीज़ को. तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा? Keep yourself light. You have a lot of possibilities, endless possibilities, ठीक है. और मुझे जहाँ तक लगता है, Libra are emerging as spiritual as well, you know, practical person, दोनों एक साथ. So it's a very very good combination. और आप उस चीज़ को follow भी कर रहे हैं, तो जो चीज़ आप चल रहे हैं, I think आपके blessings है आपके साथ. So you know, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए. एंड अपने आप को, मैंने आपको बोला ना कि लाइट रखिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को. आपने करा भी है काफ़ी टाइम, आपने अपने आप पे लगाया है, एंड इट्स गोइंग ग्रेट. और अगर छोटी मोटी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, तो लीव इट बिहाइंड. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.